और ये मीसा भारती सब बात जाएंगे तो एक बार कहाँ से आए हैं, कौन है, कितना डिटेल सुन के पास देता रहेगा। इसलिए हम लोग और सरकार भी, भारतीय जनता पार्टी का है, मोदी जैसा प्रधानमंत्री अभी तक हिंदुस्तान में कोई है नहीं और ऐसा आदमी भी नहीं है निहायत। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अभी एक चांस और मोदी जी को दिया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए रामकृपाल जी को हम लोग, रामकृपाल यादव क्यों अच्छा काम कर रहे हैं, उनका प्रधान काम किए इस क्षेत्र में, बहुत सा अच्छा काम किए हैं, रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा सब में काम किए हैं। रामकृपाल क्यों? रामकृपाल, रामकृपाल इसलिए कि मोदी के हम लोग चाहते हैं, मोदी जो है कि हमारे जो है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जो है कि देश के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं, इसलिए हम मोदी जी को देना चाहते हैं। रामकृपाल जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, कोई भी काम होता है वो समय पर पहुँचते हैं, इसलिए अगर उम्मीदवार को हम वोट देना चाहते हैं कि जो समय पर हमारे पास आए, हमारा समस्या सुने, इसलिए हम उन्हें समर्थन करना चाहते हैं। रामकृपाल यादव बहुत विकास किए हैं, ऐसा बात नहीं है, तो मोदी को आना बहुत जरूरी है। रामकृपाल यादव कैसे? इसलिए कि वो हर मेरा जब भी बुलाइए वो चले आते हैं, जमीनी नेता हैं। और दूसरी बात, सबसे बढ़ के ये बात है कि पहले हमको देश चाहिए, और कांग्रेस के इतना दिन हो गया वे जो है से कोई जो है से कि देश के बारे में कुछ नहीं किए, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो उन्हीं को हम लोग वोट देंगे, और देश के लिए वो पहले देश तब हम लोग हैं, और जहाँ तक मोदी जी रहेंगे हम उन्हीं को साथ हैं। नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू, वेब समाचार 24/7 में एक बार फिर दानापुर की जगह है नासरीगंज। जी हाँ, प्राचीन मंदिर ब्रह्मस्थान का स्थान पर हम हैं। ये स्थान जो है महत्वपूर्ण स्थान इसलिए है, ये स्थान पड़ता है पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र का। जी हाँ, हम यहाँ की तमाम जितने भी स्थानीय लोग हैं इनसे भी जानकारी लेंगे कि 2019 के चुनाव में पाटलिपुत्रा लोकसभा से सांसद कौन, मीसा भारती कि रामकृपाल यादव। लेकिन हाँ, हमें जानकारी देना फर्ज बनता है। वेब समाचार 24/7 में आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका वीडियो आप जब देखते हैं हमें हौसला अफजाई करता है, और यहाँ देश दुनिया के खबर लगातार आपके बीच हम आते हैं। तो शुरू करते हैं कि पाटलिपुत्रा लोकसभा से सांसद कौन। जी नमस्ते भैया, क्या नाम हुआ भैया? मनोज कुमार जी। मनोज कुमार क्या करते हैं? मनोज जी ड्राइवरी करते हैं। ड्राइविंग करते हैं। ये बताइए, 2019 का चुनाव में पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से सांसद कौन? रामकृपाल यादव क्यों अच्छा काम कर रहे हैं, उनका प्रधान काम किए इस क्षेत्र में, बहुत सा अच्छा काम किए हैं, रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा सब में काम किए। तो इस बार लग रहा है कि मीसा भारती को फिर कड़ी टक्कर देंगे? देंगे, रामकृपाल यादव जीतेंगे लग रहा है। पक्का? हाँ पक्का। आप बताइए भैया, क्या नाम हुआ आपका? उमेश सिंह। बताइए उमेश सिंह जी, हम विकास पर वोट देंगे, विकास किए हैं। विकास हुआ है। आप बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? सनोज कुमार पासवान। बताइए पासवान जी। जी पासवान जी, अभी देश के बहुत धड़कन बने हुए हैं, रामविलास पासवान बने हुए हैं, चिराग पासवान बने हुए हैं, क्या लगता है 2019 का चुनाव में पाटलिपुत्रा लोकसभा से सांसद कौन? रामकृपाल। क्यों रामकृपाल? रामकृपाल इसलिए कि मोदी के हम लोग चाहते हैं, मोदी जो है कि हमारे जो है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जो है कि देश के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं, इसलिए हम मोदी जी को देना चाहते हैं, और देश की सुरक्षा के लिए भी मोदी जी हम लोग के लिए ठीक है, इसलिए हम लोग रामकृपाल को वोट देने जा रहे हैं, आभारी मोहम्मद से जिताने जा रहे हैं। आप बताइए भैया, क्या नाम हुआ? भैया मेरा नाम दुर्गा प्रसाद होगा। जी बताइए। रामकृपाल जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, कोई भी काम होता है वो समय पर पहुँचते हैं, इसलिए अगर उम्मीदवार को हम वोट देना चाहते हैं कि जो समय पर हमारे पास आए, हमारा समस्या सुने, इसलिए हम उन्हें समर्थन करना चाहते हैं। क्या लग रहा है कि इस बार अभी कड़ी टक्कर मिलेगा मीसा भारती से? जी कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है, मीसा भारती का कोई टक्कर ही नहीं है। हम लोग सिर्फ जो है कि रामकृपाल के वोट देने जा रहे हैं विकास के मुद्दा पर, विकास और क्षेत्रीय जो है वो माने देश का जो रक्षा है वो सब में योगदान के लिए हम लोग को मोदी की ज़रूरत है, जो बार बार कभी चीन
इधर से छेकता है, कभी पाकिस्तान उधर से बम गिराता है, तो उसके लिए लड़ने के लिए तो हिम्मत चाहिए ना। और जब जपला क्षेत्रीय नेता हमारा नहीं जाएगा, यहाँ पार्टी वहाँ मजबूत नहीं होगा, तब तक वोट तो नहीं ना मिले, अथी सरकार नहीं ना बनेगा, और सरकार नहीं बनेगा तो अथी मजबूत नहीं रहेगा। बहुत जगह गए तो बोले कि रामकृपाल यादव तो विकास तो किए नहीं पाटलिपुत्र में, ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है भैया, रामकृपाल जी अकेले थोड़ी कर देंगे, वो तो अथी सरकार ना करती है। रामकृपाल जी का सपोर्ट नीतीश जी से है, तो नीतीश जी काम कर रहे हैं तो माने रामकृपाल कर रहे हैं। एक आदमी से तो नहीं ना हो जाएगा। आप कहिएगा कि मोदी जी आकर डायरेक्ट यहाँ सेवा दे दें, तो वो तो सेवा नहीं होगा ना भैया। वो कह रहे हैं कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, तो वो आके विकास उनका आदमी है ना, हम लोग को विकास के काम करेगा। रामकृपाल यादव बहुत विकास किए हैं, ऐसा बात नहीं है। अब मोदी को आना बहुत ज़रूरी है। बताइए चाचा प्रणाम, क्या लग रहा है? ठीक लग रहा है। कौन जीतेगा? रामकृपाल यादव। पक्का लग रहा है? पक्का। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि बुजुर्गों की टोली में जिस तरह का जो चुनाव का जो चर्चा चल रहा है, जहाँ जाएंगे नासरीगंज है, यहाँ पर ब्रह्म स्थान है, प्राचीन देवी मंदिर का स्थान है, यहाँ पर बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए आपसी में, लेकिन चुनाव के नतीजे के बारे में और किस तरह का मतदान करा उनके बारे में भी चर्चा लगातार जगह मिलने से भी जानकारी ले लेते हैं कि 2019 के चुनाव में पाटलिपुत्रा से सांसद कौन? सर नमस्ते, क्या नाम? रामकृपाल यादव। आपका नाम रामकृपाल यादव? नहीं नहीं, हमारा नाम बोले, आप सांसद बोले कौन था? हम लोग आपका नाम क्या है? मनोज कुमार शर्मा। बताइए मनोज जी, क्या लगता है कि रामकृपाल यादव विजय होंगे? हमेशा उनका तरफ से पूरा कार्यकर्ता लोग सब कुछ शामिल होता है, और इस गांव में और क्या, और एकदम तब और क्या बोले उनके, मतलब जो है अभी के माहौल उसमें तो बढ़िया वही नेता है। हम लोग का जो लोकल एरिया है, यहाँ पर हमारे रामकृपाल बाबू जो हैं फोन भी कर देते हैं, उनके पास जाते दौड़े हुए चले आते हैं। और ये मीसा भारती सब वह जाएंगे तो एक बार कहाँ से आए हैं, कौन है, कितना डिटेल्स उनके पास देता रहेगा। इसलिए हम लोग और सरकार भी, भारतीय जनता पार्टी का है, मोदी जैसा प्रधानमंत्री अभी तक हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं, और ऐसा आदमी भी नहीं है निहायत। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अभी एक चांस और मोदी जी को दिया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए रामकृपाल जी को हम लोग वोट देंगे, करेंगे। बताइए सर जी, क्या नाम हुआ? सनोज कुमार। बताइए सनोज जी, क्या लगता है किस बार नैया पार होगी रामकृपाल यादव का? हाँ, नैया पार होगी। कैसे? विकास से, वोट से। पाटलिपुत्र क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है, रोड नाला सड़क का काम हुआ है, पानी का काम हुआ है, शौचालय का काम हुआ है, सिर्फ शौचालय काम है, कोई तरह के यहाँ तक की दिक्कत नहीं है। इसलिए जो है कि हम लोग विकास के मुद्दे पर वोट देने जा रहे हैं मोदी जी को। चाचा प्रणाम। बताइए चाचा, क्या नाम हुआ? हमारा नाम कृष्ण देव राय है। हाँ बताइए, 2019 का चुनाव में पाटलिपुत्र से सांसद कौन? मीसा भारती की रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव। कैसे? इसलिए कि वो हर मेरा जब भी बुलाइए वो चले आते हैं, जमीनी नेता हैं। और दूसरी बात, सबसे बढ़ के ये बात है कि पहले हमको देश चाहिए, और कांग्रेस के इतना दिन हो गया वे जो है से कोई जो है से कि देश के बारे में कुछ नहीं किए, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो उन्हीं को हम लोग वोट देंगे, और देश के लिए वो पहले देश तब हम लोग हैं। और जहाँ तक मोदी जी रहेंगे हम उन्हीं को साथ हैं। इस बार विजय है उनका? उनका एकदम पक्का विजय है, उनका एकदम पक्का विजय है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। क्या नाम हुआ जी? पूरा मुरेठा बांधे हुए हो? माय नेम इज विकास कुमार। अच्छा, क्या करते हो? काम करते हैं सर। काम करते? क्या लग रहा है कौन जीतेगा? मोदी जीतेगा। यहाँ से कौन जीतेगा? राम तिरपाल। और यहाँ पे स्टूडेंट से कुछ है, हम इनसे भी जानकारी लेते हैं कि 2019 का चुनाव में पाटलिपुत्र से सांसद कौन होता है, मीसा भारती या रामकृपाल यादव? इनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ? निभा कुमारी। हाँ बताइए, क्या लग रहा है कि इस चुनाव में पाटलिपुत्र से सांसद कौन होना चाहिए? रामकृपाल। तो देखे ना, ऐसे ब्रह्म स्थान के पास हम आए हैं, और 2019 का जो चुनाव है और पाटलिपुत्र का, खास करके लोग पूरे देश की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई है कि
कौन सांसद बनता है, डॉक्टर मीसा भारती या रामकृपाल यादव। इसी तरह आप वीडियो को देखते रहिए और हम आपसे लेते हैं विदा। फिर एक नए अंदाज के साथ में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक लिए धन्यवाद।